इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करें तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6। अब 7 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, डेल स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 4π स्क्वेयर इंटू 2m इंटू ई माइनस वी ओवर 8 स्क्वेयर साई। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डेल स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 8π स्क्वेयर m ई माइनस वी ओवर 8 स्क्वेयर साई। इस टर्म को हम राइट साइड पे ले जाएं, डेल स्क्वेयर साई प्लस 8π स्क्वेयर m इंटू ई माइनस वी ओवर 8 स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, इसको टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कहते हैं। यहाँ डिपेंडेंट लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट कर लें, इसमें टाइम देखें कहीं भी फैक्टर नहीं है, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। आज के लिए यहाँ तक।